कमलेश हमारे प्रिय हैं, इतना अच्छा है, जो बुजुर्ग इस परंपरा का संवाहन कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना अनुकरणीय उदाहरण है। करते हैं हरिशंकर दुबे जी का, गागर में सागर भरने जैसी बात उन्होंने कही है। व्यवस्था खराब ना हो, सभी के पास कमलेश जी पहुंच रहे हैं, उनके शुभचिंतक पहुंच रहे हैं, उनकी चुके हैं अपनी कर्मठता से, अपनी कुशलता से, अपनी सहजता सरलता से। और जो नहीं मानता उनसे बात भी मैं देख रहे थे और अखबारों में सुबह पढ़ रहे थे कि 2 घंटे के बाद उन्होंने अपनी माता जी का कार्यक्रम किया, 2 घंटे के बाद वंदे मातरम ट्रेन का लोकार्पण किया, अपने काम पे लग गए। उन्होंने कहा काम बहुत है। लगातार 31 दिसंबर को जो हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इनका यह स्पंदन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई भी काम हम कर नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है। हम चाहते हैं कि शहर में एक भी वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि जो माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, यदि उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं रहा तो ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं। मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि भगवान से बढ़कर हमारे माँ बाप होते हैं। आज हम सभी लोग ने लगभग 2000 बुजुर्गों का यहाँ पे सम्मान किया और मैंने सबका आशीर्वाद लिया। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन यदि हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा, शहर का भी विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा।